और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की सुपर एक्सक्लूसिव ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के पास ये तस्वीर है। इन तस्वीरों में डॉन छोटा राजन बिल्कुल फिट नजर आ रहा है। ये तस्वीरें पिछले 8 साल में छोटा राजन की सबसे ताजा तस्वीरें मानकर आप देख सकते हैं, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान खींचा गया था। तब अफवाह ये उड़ी थी कि कोरोना की वजह से छोटा राजन की मौत हो गई है, लेकिन पिछले 8 साल में छोटा राजन की ये सबसे ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर डी कंपनी की बेचैनी बढ़ना लाजमी है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का गैंग छोटा राजन के पीछे हाथ धोकर पड़ा है और किसी भी कीमत पर छोटा राजन की हत्या करवाना चाहता है। छोटा राजन भी दाऊद इब्राहिम को कई बार मारने की कोशिश कर चुका है। छोटा राजन इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जहां वो अपनी सजा काट रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन अभी जिंदा है। जी हाँ, न्यूज 18 इंडिया पर डॉन की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें छोटा राजन की सबसे ताजा तस्वीरों में से एक है, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान खींचा गया था और तब अफवाह ये फैली थी कि कोरोना की वजह से छोटा राजन की मौत हो गई है, लेकिन पिछले 8 साल में छोटा राजन की सबसे ताजा तस्वीर इस वक्त हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर डी कंपनी की बेचैनी बढ़ना तय माना जा रहा है। दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े दुश्मन की ताजा तस्वीर। 8 साल बाद छोटा राजन की पहली तस्वीर। न्यूज 18 इंडिया पर डॉन की सबसे ताजा तस्वीर। तिहाड़ जेल में करीब 8 साल से बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन आज भी दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए छटपटा रहा है। न्यूज 18 इंडिया अंडरवर्ल्ड के उस डॉन की दो तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जिससे आज तक दाऊद इब्राहिम डरता है। ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम अपने जानी दुश्मन छोटा राजन को मारने का प्लान कई बार बना चुका है। यहां तक कि तिहाड़ जेल में भी छोटा राजन को ठिकाने लगाने के लिए दाऊद के सबसे करीबी छोटा शकील ने कई बार प्लानिंग रची, लेकिन हर बार छोटा शकील की प्लानिंग फेल हो गई। छोटा राजन की ये पहली तस्वीर लॉकडाउन के वक्त की है, जब कुछ मीडिया में ये खबर आई थी कि कोरोना की चपेट में आकर छोटा राजन ने एम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया, लेकिन वो खबर महज अफवाह थी, क्योंकि डॉन अभी भी जिंदा है और ये है उसके जिंदा होने का सबूत। छोटा राजन की ये दूसरी तस्वीर 8 साल बाद सामने आई है, जिसमें छोटा राजन पूरी तरह से फिट नजर आ रहा है और अपने उस पुराने अंदाज में देखा जा सकता है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को साल 2015 में इंडोनेशिया के बाली शहर से प्रत्यर्पण भारत लाया गया था। जब से वो एशिया की सबसे अति सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल में बंद है। न्यूज 18 इंडिया जो तस्वीरें आपको दिखा रहा है, ये लॉकडाउन की वक्त की हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटा राजन एकदम फिट और पूरी तरह से स्वस्थ है। बीच में छोटा राजन की मौत की खबरें भी आई, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि डॉन अभी जिंदा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में छोटा राजन अपनी सजा का एक एक दिन काट रहा है। उसे तिहाड़ के जेल नंबर 2 में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जहां की सुरक्षा बेहद कड़ी है। दरअसल छोटा राजन की जान को बहुत ज्यादा खतरा है, इसीलिए उसे हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से ही छोटा राजन से जेल में कोई काम नहीं करवाया जाता और उसे सबसे अलग थलग रखा जाता है। तिहाड़ जेल में अंडरवर्ल्ड के कई शूटर्स बंद है, कई खूंखार गैंगस्टर्स और पाकिस्तानी आतंकी भी बंद है। इन सभी से छोटा राजन की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए तिहाड़ प्रशासन हर वक्त सीसीटीवी से डॉन पर नजर रखता है और उसे सभी की पहुंच से दूर रखा है। करीब 9 साल से छोटा राजन तिहाड़ की 2 नंबर जेल में बंद है। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक 2 नंबर जेल की हाई सुरक्षा वार्ड में छोटा राजन को रखा गया है और वो एक सजा याफ्ता कैदी है, उससे कोई काम नहीं कराया जाता है। सुरक्षा कारणों से चलते सीसीटीवी से 24 घंटे छोटा राजन पर नजर रखी जाती है, क्योंकि तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन के कई दुश्मन तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिसमें अंडरवर्ल्ड के कई शार्प शूटर पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल हैं। तिहाड़ जेल में ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी रखा गया है, जिन्हें छोटा राजन के ठीक बगल वाले बैरक में रखा गया है। केजरीवाल के बैरक के बगल में कई कुख्यात आतंकियों की बैरक मौजूद है। आतंकी जियाउर रहमान और कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना भी इसी 2 नंबर जेल में बंद है।
दरअसल तिहाड़ की जेल नंबर 2 सजा याफ्ता कैदियों के लिए है। इसमें उन्हीं कैदियों को रखा जाता है जिन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी होती है। छोटा राजन को मारने के लिए कुछ साल पहले ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी छोटा शकील ने एक साजिश रची थी और 4 कॉन्टैक्ट किलर्स को हायर किया था। शूटर रोजन रॉबिन, जुनैद, यूनुस और मनीष को छोटा शकील ने हथियार और पैसे देकर दिल्ली भेजा था, जहां से स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिससे छोटा शकील की प्लानिंग पर पानी फिर गया। उस वक्त छोटा शकील ने हमसे खास बातचीत में चारों शूटर्स को भेजने की बात कबूल की थी और कहा था कि वो आगे भी अपने छोटा राजन को मारने की कोशिश करता रहेगा। शकील भाई, एक दिल्ली पुलिस ने 4 कॉन्टैक्ट किलरों को पकड़ा है और जो दावा कर रहे हैं वो किलर की वो छोटा शकील के आदमी है और आपने उन्हें हायर किया था छोटा राजन को मारने के लिए, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, मेरे अपने लड़के हैं। तो कहाँ, कैसे पहुंचे आप इन तक, ये आपसे संपर्क में कैसे आए? तो पहले से मेरे टच में है बहुत टाइम से। पुलिस ने इनके पास से पैसा भी बरामद किया, 40,000 रुपए और 2 पिस्टल बरामद किए, क्या वो आपने मुहैया कराई थी? तो सब हमारे किए हुए होते हैं ना यार, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। जिस तरह से दाऊद इब्राहिम छोटा राजन की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, उसी तरह से छोटा राजन भी दाऊद की जान का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। गिरफ्तारी से पहले छोटा राजन ने दाऊद को मारने के लिए 2 बार फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन दोनों ही बार दाऊद की किस्मत ने उसका साथ दे दिया। 2 ऐसे मौके आए जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए छोटा राजन के गुर्गे दाऊद के बेहद करीब थे। एक मौका था जब छोटा राजन ने अपने 2 शार्प शूटर को पाकिस्तान के शहर कराची भेजा, जहां पर कि छोटा राजन के दोनों शूटर्स कराची के एक होटल में रुकते हैं, लेकिन इस बात की भनक डी कंपनी को लग जाती है और दोनों ही शूटर्स को कराची में मार दिया जाता है। इस बात से राजन बेहद नाराज हो गया और उसके बाद एक फिर मौका आया जब दाऊद इब्राहिम की बेटी का दुबई में निकाह होना था, उस दौरान भी छोटा राजन के गुर्गों को तैयार किया गया, लेकिन इस बात की भनक भी अंडरवर्ल्ड डॉन डी कंपनी के लोगों को लगी और यह ऑपरेशन भी छोटा राजन का खराब हो गया। छोटा राजन की इन ताजा तस्वीरों को देखकर डी कंपनी की छटपटाहट बढ़ गई होगी। दाऊद इब्राहिम अपने जानी दुश्मन को बिल्कुल फिट देखकर बेचैन हो उठा होगा और छोटा शकील यकीनन फिर से छोटा राजन को मारने की नई प्लानिंग बना रहा होगा। लेकिन एशिया की सबसे सुरक्षित जेल में बंद छोटा राजन तक पहुँचना डी कंपनी के बूते के बाहर की बात है। क्राइम की दुनिया में छोटा राजन का नाम कौन नहीं जानता, अपराध जगत में उसके काले कारनामों से हर कोई वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मुंबई की बस्ती में पला बढ़ा लड़का कैसे एक टिकट ब्लैक करने से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी बन गया और फिर उसी से दुश्मनी मोल लेकर खुद को देशभक्त डॉन बुलाने लगा। इस तस्वीर से आप अनजान नहीं होंगे, इसके खौफ की कई दास्तां आपने सुनी होगी, इसके आतंक की कई कहानियों को अखबारों की सुर्खियों में पढ़ा होगा। छोटा राजन कभी मुंबई में आतंक का दूसरा नाम होता था। 80 के दशक में मुंबई पुलिस की नाक में दम करने वाले छोटा राजन पर दाऊद इब्राहिम को आंख बंद करके भरोसा था। क्राइम की दुनिया में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हर दिन आगे बढ़ रहे थे। भारत से लेकर दुबई तक दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। इनका एक कॉल किसी के भी पसीने छुड़ा देता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? आपको दोस्त से दुश्मन बने छोटा राजन और दाऊद की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा राजन के बारे में जान लीजिए। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है। मुंबई के चेंबूर की एक बस्ती में छोटा राजन का जन्म हुआ था। महज 10 साल की उम्र में छोटा राजन ने अपराध का दामन थाम लिया। पहले फिल्मों की ब्लैक में टिकट बेची, उससे खर्चा नहीं चला तो राजन गैंग को ज्वाइन कर लिया। राजन नायर को लोग बड़ा राजन कहते थे। राजन नायर का दाहिना हाथ होने के नाते इसका नाम छोटा राजन पड़ गया और बड़ा राजन की मौत के बाद सदाशिव ने गैंग को संभाल लिया।
और मुंबई में वो दाऊद के करीब आया और फिर दाऊद के साथ काम करने लगा। छोटा राजन की डेरिंग का दाऊद बेहद कायल था। वो इसीलिए कि जब बड़ा राजन की हत्या का अब्दुल कुंजू पर इल्जाम लगा तो छोटा राजन ने उसे मारने की कसम खा ली, लेकिन कुंजू ने पहले ही सरेंडर कर दिया। कुंजू को मेडिकल के लिए ले जाते वक्त अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में छोटा राजन ने कुंजू पर हमला कर दिया। हमले में कुंजू तो बच गया, लेकिन दाऊद की नजरों में छोटा राजन की इज्जत बढ़ गई। दाऊद इब्राहिम से छोटा राजन के रिश्ते मजबूत हो गए और अब दोनों एक साथ मिलकर मुंबई में वसूली, हत्या, तस्करी और फिल्म फाइनेंस का काम करने लगे। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ रही थी। क्राइम की दुनिया में दोनों लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन ये दोस्ती किसी को अखड़ने लगी थी। दावा किया जाता है कि छोटा राजन और दाऊद की दोस्ती में अगर किसी ने आग लगाई तो वो था छोटा शकील। कैसे, वो सुनिए। दाऊद और छोटा राजन एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन छोटा शकील को ये दोस्ती खटकने लगी। छोटा शकील ने राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरना शुरू कर दिए। धीरे धीरे छोटा राजन और दाऊद के रिश्तों में दरार आई। 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट में दाऊद का जब नाम आया तो राजन ने नाराजगी जताते हुए दाऊद से हर रिश्ते को खत्म कर लिया। ब्लास्ट के बाद दाऊद और राजन ने भारत छोड़ दिया। अब आए दिन दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते रहते हैं। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन पर कई बार जानलेवा हमला किया। बैंकॉक से लेकर तिहाड़ जेल तक हमलावर भेजे गए, लेकिन ये प्लान हर बार फेल होता गया और राजन और दाऊद के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई।